गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक फुल कटकिस आई मेकअप ट्यूटोरियल। पहले मैंने म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर लिया है, जिससे मैं अपने आईब्रोज ड्रॉ कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे कंसीलर से अपने आईब्रोज को हाईलाइट अप्लाई किया है। अब मैंने अपने आईलिड्स पे कंसीलर अप्लाई किया है और लूज पाउडर से उस कंसीलर को सेट कर दूँगी। मैं यहाँ पर ब्यूटी ग्लेज का शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने इस शेडो पैलेट से एक लाइट डीप पिंक कलर का एक शेडो लिया है और अपने लिड्स पर उसको ब्लेंड कर लूँगी बहुत अच्छे से। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है। अब मैं उसी पैलेट से थोड़ा वायलेट कलर का एक कलर शेडो अप्लाई करूँगी उसके ऊपर और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे एक डीप पिंक शेडो लिया है और फिर उस पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि और थोड़ा डार्कनेस आ जाए। बहुत अच्छे से इन कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं कंसीलर की हेल्प से क्रीज को काट लूँगी। कट क्रीज ड्रॉ करना हो चुका है। अब उसी मैं उसी पैलेट से वायलेट और पिंक शेड लूँगी और क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि मैं अपना मेरा कट क्रीज जो है वो थोड़ा शार्प दिख सके। अब मैं उसी पैलेट से एक स्काई ब्लू कलर का सेट लूँगी और अपने ड्रॉ किए हुए कट क्रीज पर अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ कोई लूज पाउडर यूज़ नहीं किया है कंसीलर के ऊपर, मैं डायरेक्ट शेडो यूज़ कर रही हूँ ताकि पिगमेंट थोड़ा ज़्यादा और अच्छा आ सके। अच्छे से कंसीलर के ऊपर मैं अब उस शेडो अप्लाई कर रही हूँ ताकि अच्छे से वो कलर दिख सके। अब मैं स्विस ब्यूटी पैलेट से ये ब्लैक शेडो लूँगी और अपने आउटर कॉर्नर पे एक डार्कनेस लाने के लिए थोड़ा सा मैं वहाँ पे ब्लैक शेडो अप्लाई करूँगी। मैं थोड़ा सा ऊपर को कंसीलर छोड़ दूँगी ताकि मैंने जो कट क्रीज ड्रॉ किया है वो अच्छे से दिख सके। स्काई ब्लू कलर के साथ मैंने वो ब्लैक शेडो अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके। अब थोड़ा मैं शिमर ले रही हूँ वही कलर का और शिमर अप्लाई कर रही हूँ अपने स्काई ब्लू कलर के ऊपर ताकि थोड़ा सा ग्लॉसीनेस आ सके। अब मैं थोड़ा सा ब्लैक शेडो और लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी स्काई ब्लू शेडो के साथ। अब मैंने यहाँ पे हाइलाइटर शेड लिया है जो मैंने अपने कट क्रीज के ऊपर उसको अच्छे से लगा लूँगी ताकि मेरा जो कट क्रीज है वो अच्छे से हाईलाइट हो सके, अच्छे से दिख सके। पूरे कट क्रीज के ऊपर मैं अच्छे से लाइक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं अपने अपर वाटर लाइन पर लाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा विंग्स क्रिएट किया है। अब मैं लोअर वाटर लाइन पर काजल अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लैक्मी का काजल लिया है, आप चाहे तो आपकी पसंद से कोई भी ब्रांड का काजल आप ले सकते हैं। अब मैं अपने लोअर लैश लाइन पर शेडो अप्लाई करूँगी। जो शेडो मैंने ऊपर अप्लाई किया है वही पर्पल और पिंक कलर का शेडो अप्लाई करूँगी। फिर उसके ऊपर मैं ब्लू स्काई ब्लू कलर का जो शेडो यूज़ किया है वो मैं हल्का सा अप्लाई करूँगी। सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर अपने ब्राबोन को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाईलाइट यूज़ किया।
मैं अपने आईलैशेस पर मस्कारा यूज़ करूँगी। ये लैक्मी का मस्कारा है, आप चाहे तो आपके हिसाब से कोई भी ब्रांड का मस्कारा आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आईलैशेस का यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो आप आईलैशेस यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा आई मेकअप का फाइनल लुक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।